कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गया। मैं देखती नीचे कि सनी ने मंगाए अपने कपड़े, तो अम्मा तो है नहीं, अभी अम्मा कहीं गई हुई हैं, तो देखते हैं क्या पहनेंगे सनी, क्योंकि वो वॉशरूम में नहाने चले गए और बोल रहे कपड़े लो। कपड़े नहीं है, न तौलिया मिल रही न कपड़े मिल रहे हैं। हाँ। इसे पोछ लो, इसे पहन भी लो। हेलो फ्रेंड, खुशामदी सभा के जहाँ में आपका स्वागत है। और हो गई है सुबह, हाथ धो के मैं हो गया रेडी, सभा कर रहे हैं आज सारे किचन के काम, और मेरे बहुत सारे काम है बाहर के, जो भी आगे होता है इंशाल्लाह आपको देखने मिलेगा आगे। फिर से हमारी किचन की जो सेटिंग है वो स्टार्ट हो गई है, अनबॉक्सिंग हो रही है गैस स्टोव की। अरे इसका तो प्रॉपर इनॉग्रेशन होगा, फीता काटेंगे सेलिब्रिटी को बुला के। एक भी मुझसे नहीं कटाया। आप सही से फिट करना, हमारी जिंदगी मौत तुम्हारे हाथ में। वॉक कर रही हूँ फ्रेंड्स ट्रेडमिल पे, 20 मिनट्स होने वाले हैं, 10 मिनट्स और करूंगी। फाइनली 30 मिनट्स हो गए फ्रेंड्स, मर के गिरी जा रही हूँ। 31 मिनट्स की वॉक हो गई है फ्रेंड्स। काम तो आज बहुत सारे हैं, किचन भी सेटअप करना है। पुप्पी के जो है ना, मेरे जो कजिन भाई है, उनके बेटा हुआ है, अभी एक महीने का ही होने वाला है, जो मुंबई में थे तो हुआ था, उसको देखने भी जाना, उनसे मिलने जाना, उसके लिए कुछ लेने जाना है, व्लॉग भी एडिट करके आज डालना है। लेकिन मैंने सोचा पहले सुबह सुबह ये कर लेते हैं, हम नमाज पढ़ेंगे उसके बाद बाकी काम करेंगे। ट्रेडमिल का मुझे काफी लोग ब्रांड पूछ रहे थे, तो मैंने जिनसे मंगाया है ना, मैं उसका उनसे डिटेल पूछ के आपको बता दूंगी, तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये बात तो सही है, छोटा सा है, घर पे रखने के लिए बहुत इजी है। वॉक भी कर ली, कपड़े भी निकाल लिए, अब नहाएगा। Few moments later. Friends, अभी चलिए नीचे चलते हैं, क्योंकि हो चुका है लंच टाइम, लंच करेंगे। बनाया घर में फ्रेंड्स कड़ी, थोड़ा सा घी दे दे, थोड़ा सा निकाल लेते हैं फ्रेंड्स हम घी, घर का बना हुआ देसी घी। चुकी है फ्रेंड्स, जा रहे हैं मार्केट, क्या क्या काम है वो करते जाएंगे और साथ में आपको बताते भी जाएंगे। अरे वाह फ्रेंड्स, इतने दिनों बाद बारिश। तो आज का हमारा काम नंबर वन है कि किचन में हमें एक शेल्फ लगवाना है, जहाँ पे हम मसालों के डब्बे रख सके। शेल्फ लगाने के लिए हम ये कांच की दुकान है, अब देखते हैं कितना लंबा कांच का टुकड़ा मिलता है। ये रही फ्रेंड्स शॉप, से उनसे बात कर रहे हैं कि आज ही लगा दो। क्या लगा रहे हैं, रुक जाओ सबर कर, ठीक है लगा दे तो अच्छा है। काम नंबर दूसरा है कि हमें कोई पौधा चाहिए किचन में आसपास रखने के लिए, फ्रेश वाला, मतलब ताजा वाला, मतलब असली वाला। कौन सा है, ले ले अभी घर चल के दिखा। चलो ठीक है, आपको वो लगाना, मैंने लगाया ना अपना। अच्छा मुझे लगा रेडियो में आ रहा है। फ्रेंड्स पता है आपको ये बताना था कि मौदा हमें रेडियो नहीं आता, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आ जाएगा। रेडियो आता है बट एफएम नहीं आता है। तीसरा काम ये है कि अमरूद खरीद रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं छोटे बेबी के लिए कुछ चीजें लेने के, ये और वो दोनों, और एक ये भी, उसमें टैडी भी लगा है। अभी चलते हैं ज्वेलर की शॉप पे। गलियों में हम यहाँ पे अब कार से नहीं जा सकते थे, तो हम आ गए पैदल। जब तक जो हमने लॉकेट लिया ना बेबी का, उस पे वो माला लगाएंगे, तब तक हम सूट दे रहे थे, और मुझे दुपट्टे भी लेने थे मैचिंग के अपने। यहाँ चलते हैं, ये तीन के मुझे दुपट्टे लेने हैं। चलो दुपट्टे भी मिल गए यहाँ पे सूट लेने के लिए, हमारी मौदा वाली भाभी के लिए। पप्पी ने भी जब भाभी के बेबी हुआ था, उनके लिए लाल पीली चूड़ी भेजी थी कि बेबी के बाद पहनते हैं, तो अब मैं ये वाली भाभी के लिए भी लाल पीली चूड़ी लेके दी। अपने लिए भी ले लेते हैं? नहीं मैंने पहनी है। फ्रेंड्स सनी मुझे कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, तो मैंने भी कह दिया मेरे अंदर भले ही दिमाग नहीं है, लेकिन मेरे अंदर दिल तो है, तो मेरे पास डबल दिल है। और इंसान को दिमाग से नहीं दिल से काम लेना चाहिए, इसलिए मेरे पास दिमाग नहीं ना, मैं हमेशा चीज दिल से करती हूँ, दिल से सोचती हूँ, दिल से डिसीजन लेती हूँ, तो वो इंसान ज्यादा अच्छा होता है जो दिमाग नहीं लगाता। दिमाग कभी कभी लगाना चाहिए, कभी कभी। मौदा के फेमस सेव और साथ में जानलेवा मिर्ची, तो ये सारी चीज हम लेके जा रहे हैं पुप्पी के यहाँ पे, आपको भी लेके चलते हैं। बाइक से जा रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा। चलिए बेटा,
गोद में है। अच्छा गोद में नहीं रहा है। आपकी जैसी है ना, अपनी बहन के जैसा, भैया के जैसा, सब में मिला है। नहीं पापा का गिफ्ट का आपकी वो राखी वाले पापा की हम लेंगे। मैं ले आऊं 100 रुपीज लो, 100 रुपीज 100 ले लो। नहीं नहीं वो भी फिर हम नहीं आएंगे। चलो आ चुके हैं फ्रेंड्स हम लोग घर। हो गया कंप्लीट फ्रेंड्स। हमारी रिंग लाइट देखिए कैसी हो गई है, सीधी नहीं हो रही। फ्रेंड्स ये है मौदा के मोमोज, जब लोगों ने मोमोज खाए। अभी मेरा व्लॉग एडिट हुआ है और अभी मैं उसे डालूंगी। और आज महल भी अभी रुकी हुई है। किसानी आज अपने फ्रेंड्स के साथ गए कोई ढाबे पे डिनर के लिए। इस वक्त बज रहा है 10:30 और साथ साथ आज हमें किचन भी सेटअप करते जाना है थोड़ा थोड़ा, तो मैं वो भी क्लीन करती जा रही हूँ। चलते हैं घर, टाइम काफी हो गया है, सब घर में वेट कर रही है। देखिए इतनी लेट आए घूम के खा के मजे करके, शादी के बाद पहली बार इतना लेट आए, मुझे भी बता दो। और महल को छोड़ने जा रहे हैं हम लोग, और हम तो कहते हैं हमारे घर ही सो जाओ। इतनी तो दो छुट्टियाँ मिल रही है, देर तक सोगी। जाओ जाओ हम लोग खड़े हैं। ठीक है चलो जाए। रात का मौदा सुनसान, फ्रेंड्स अभी सिर्फ 11:30 बजे इस वक्त कोई कहेगा। हाँ हम कहेंगे 11:30। सनी का वेट कर रही थी, सनी मुझसे बोला कि मैं आधा पेट खाऊंगा तुम्हारे साथ भी आके खाऊंगा, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं है, सब फिल्मों में होता है। क्योंकि जब भूखा होता है इंसान खाने में बैठता है तो खा लेता है। खाने में है कढ़ी चावल, मूंग की दाल और रोटी। डिनर करके थोड़ा सा चलने फिरने का काम भी कर लिया और आपको किचन भी दिखा दिया, थोड़ा सा कुछ उसमें नया ऐड किया जो कि बहुत जरूरी था। इसमें हमें कल मिट्टी भर के फिर इनको लगाना भी खाना था कि आज हमने ये लगवा लिया। कल हो सकता है हम लोग कानपुर जा रहे हैं, तो वहाँ से फिर आपने भी नीचे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि वो जो वैसे वाले ड्रॉर्स और ऐसे वाले ड्रॉर्स आते हैं ना जो बने बनाए होते हैं वो यहाँ पे नीचे रख सकते हैं। कुछ बोल रहे थे इस पेड़ का नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन दूसरा नाम है क्रिसमस ट्री। अरे हमने बहुत ही अच्छी चीज़ यहाँ पे और ऐड किया जिसका आइडिया हमें दिया था सनी ने। तो पूरी जगह में कुछ भी बैठने की चीज़ नहीं है, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। सनी ने कहा एक आइडिया तो जाओ फिर तुम। इसी से तेल बनेगा, अच्छा। आ गए हम लोग घर फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। अभी हम लोग लंच कर लेते हैं फ्रेंड्स। सनी और पापा आज फातिया में गए तो वो लोग बाहर लंच करेंगे, हम और अम्मा साथ में आज कर लेते हैं लंच। और क्या बना है आपको बताते हैं। दाल सब्जी। फ्रेंड्स कल से हमारा वाईफाई नहीं चल रहा है, इसे ठीक करने के लिए आए। चला या नहीं? यहाँ पे बन गई है चाय, सब ने चाय बना ली है। उसके बड़े पापा बड़ी अम्मी आए कानपुर से।
बड़ी मम्मी आ गए थे, मदा किसी काम से आए थे तो फिर हमसे मिलने भी आ गए, बस आके लेटे थे तो फिर अभी कोई मिलने आ गया तो चलिए चलते हैं उनसे मिलने। तो अभी हम कुछ और किचन का सामान लेने के लिए आए थे थोड़ी देर के लिए बाहर, जैसे कि ये डस्टबिन। फ्रेंड्स फेस्टिवल चल रहा है, निकलती हर छठ पूजा और जन्माष्टमी, उसके लिए डेकोरेशन के लिए हर शॉप देखिए कितनी सजी हुई है यहाँ। फ्रेंड्स आज मैं बनाने वाली हूँ जल्दी वाला चिकन, तो यहाँ पे अभी हम आए प्याज लेने। प्याज कब बनेगा, कब तक बनेगा? 2 घंटे में। ठीक है तो मैं आता हूँ बाहर से रोटी लेके। महक तो अच्छी आ रही है, ये यहाँ पे प्याज। ये जैसे आप लोग जानते हैं मेहर, तो मेहर को सबको जानता है ना, मेहर हमेशा हंसती रहती, टेंशन लेती रही जिंदगी में। और हमारी अम्मा पागल की जन्म कुछ कर रही है, देख लें बिना प्याज। मौदा में मतलब इसलिए ब्लॉग ज्यादा नहीं बन पाता, सबाई बिजी होती है, तभी हम लोग अपने घर वालों के सामने तो खुले नहीं है ब्लॉग बनाने के लिए। मदर इन लॉ से सासू कम बात करती है, 2 घंटे बात करते हैं, थोड़ा है। ये वाला सामान हमारा किचन का पूरा सामान अब आया है, पूरा आगे बस सेट करना है रात में ना, जाएगा। चिकन क्लीन करने में मेरी हेल्प करते हुए। कौन सा किचन चिकन बना रही हो? वही वाला चिकन। टमाटर इसमें अलग से इसलिए फ्राई हो रहे हैं, टमाटर टोमेटो की जो ग्रेवी बनानी है अगर हम इसे इसमें कच्चा डाल देंगे तो अच्छा नहीं होगा, इसे अलग से फ्राई कर देंगे तो टाइम जल्दी हो जाएगा। बस 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 बहुत ज्ञान हो गया, बस ठीक है ठीक। हमारी लास्ट स्टेप भी डन हो गई है, बस 10-15 मिनट में हमारा चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। चिकन जो है वो बन चुका है। और अभी पता है आज क्या है, कौन सी डेट है? आज 6 तारीख है। तो आगे तुम्हारा शादी के मतलब 10 मंथ्स हो गए। तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं कुछ राशन का सामान लेने, तो सोच रहे हैं कुछ तरीके फ्लावर वो सब ले आते हैं, ठीक है? सरप्राइज देंगे तुम्हें। चलो तो राशन लेके आपसे मिलते हैं। कभी कभी इतना हंसाती है वो वहाँ पे ना काजू साफ कर रहे, मुझसे कहती गिन रहे काजू। काजू राशन हमने ले लिया है फ्रेंड्स, अब जल्दी चलते घर पे बनाते हैं मीठे में हलवा, क्योंकि केक नहीं लेते फिर सनी खाएगा नहीं ज्यादा, कोई मतलब नहीं है ना, हलवा बना लेंगे। तो हम लोग राशन का सामान लेके आ गए, लेकिन अभी जो हमें हलवा बनाना है वो हम सामान निकाल लेते हैं। यहाँ अच्छा लगता है ना। अम्मा ऊपर का किचन देखने आई हुई थी, न्यू किचन में भी बनाना तो नहीं शुरू हुआ, लेकिन न्यू जो कढ़ाई है उसकी आज इनॉग्रेशन हो गया है, तो हम लोग नीचे बना रहे हैं हलवा। हलवा बनने रख दिया है, चिकन बन गया, मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, नींबू डाल रही हूँ कि अभी इतना यमी यमी सा खाना खाना है, उसके लिए थोड़ी अपनी चर्बी पिघला लूँ। हलवे को भी खोल के देख लेते हैं, यमी। सब कुछ हो गया है फ्रेंड्स, और अभी हम कहीं जा रहे हैं किसी को देखने के लिए, किसी की तबीयत ठीक नहीं है हमारे रिश्ते में लगते। हलवा मैंने सोचा था कि मैं ऊपर बनाऊंगी, न्यू किचन में मीठे से स्टार्ट करूंगी, लेकिन अम्मा अकेली थी तो हमने सोचा चलो वो अकेली बैठी है, हम लोग नीचे जाके बना लेते हैं। तो ये बताने का ये मकसद है कि किचन बनाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब सब कुछ ऊपर ही बनेगा, और मेन मकसद ऊपर किचन बनाने का ये है कि अगर मुझे रात में कभी कभी चाय का मन करता है, ग्रीन टी का मन करता है, नीचे जाने में थोड़ा सा मुझे आलस भी आ जाती है सीढ़ियों करके जाने, और अगर मुझे कुछ अलग से एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ शूट करना है, तो उस हिसाब से वाला किचन है। बाकी एक ही फैमिली है और एक ही साथ खाना खाते हैं। हम लोग उनको देख के आ चुके हैं फ्रेंड्स, बेचारे को इतनी देर से भूख लगी होगी, मैं कहा जल्दी से खाना खिला दूं बेटू को। हलवा भी है, हलवा भी बनाया है। आज हमारी शादी को 10 महीने हो गए, इस खुशी में हलवा बनाया है। और मैंने सोचा था थोड़ा सेलिब्रेशन वो सब करेंगे, हमने रोजेस के वो सब मंगाए थे, लेकिन आपको पहले ही बता दे रही हूँ क्योंकि अभी वो देख के आना तबीयत खराब है, तो फिर सेलिब्रेशन का भी मन नहीं किया कभी और किसी दिन, तो बस आपको ऐसे तुमने हलवा बना दिया, इससे अच्छा सेलिब्रेशन क्या होगा। थैंक यू सो मच, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो ऐसे ही, और सबके लिए काम आती रहो। इस चिकन का नाम तो बता दो, क्या नाम है चिकन? जैसे चिकन 2 प्याजा होता है ऐसे मैंने इसमें 10 प्याज आए, तो चिकन 10 प्याजा। बहुत अच्छे भाई, वाह भाई वाह, क्या नाम दिया भाई वाह। जो जितनी प्याज डाले चिकन में उतना ही वाला प्याज आया। बहुत तेज भूख लगी, अब खाना खाते हैं। ये भी रोटी, मेरे का रोटी आ गई, बोटी कहाँ है? आज महर का पेट भरेगा। चलो भाई करते हैं बिस्मिल्लाह। बहुत बढ़िया और शानदार। आज मम्मी बताएगी हलवा कैसा, मम्मी बता दीजिए हलवा कैसा, सही से बताना। अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है भाई हलवा, कैसा हलवा? बहुत अच्छा। मेहर को छोड़ने के लिए आए थे फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज मेहर। नहीं, थैंक यू। काम
डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बे के अंदर के, मेरा सनी लाखों में एक, मेरी सभा सबसे बड़ी क्रेक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ फाइनली हो गया है। बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो या हमारा किचन या हमारी मेहनत कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और टिप्स भी आप दे सकते हैं। थैंक यू। चलो आप सो जाते, हो गया आज का काम ख़त्म, लाइट बंद कर दीजिए।